फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द CEAP क्लासिफिकेशन ऑफ द लोअर लिप। वेरिकोज वेन के लिए आज हम CEAP क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और यहाँ से हो सकता है कोई क्वेश्चन कभी आपसे मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो CEAP देखते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ द CEAP। ओके, तो सी फॉर क्या हो जाएगा बेटा? सी फॉर हो जाएगा क्लिनिकल साइन। सी फॉर में सबसे पहले हम क्लिनिकल साइन यहाँ पर बताएंगे, उसके बाद हम इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देंगे। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ इनकी फुल फॉर्म, जिससे आपको पता चल जाए कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ द CEAP क्लासिफिकेशन फॉर द लोअर लिम डिजीजेस, ठीक है। उसके बाद हम एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि कहाँ तक डिजीज डिस्ट्रीब्यूट करी है, एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड फोर्थ पॉइंट पे क्या आता है? पैथोफिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन आता है। तो फोर्थ पॉइंट पे हम क्या लिखते हैं? पैथोफिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन हो जाता है। तो आपने क्या देखा? सबसे पहले हम देखते हैं सी फॉर क्लिनिकल एंड ई फॉर इटियोलॉजिकल, ए फॉर एनाटॉमिकल एंड पी फॉर क्या होता है बेटा? पैथोफिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है? इसमें हमें मोस्टली पढ़ना है हमें यहाँ पर CEAP क्लासिफिकेशन में ग्रेडिंग ऑफ द क्लिनिकल साइन। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हेडिंग डाल देता हूँ, ग्रेडिंग ऑफ क्लिनिकल साइन। ओके, ग्रेडिंग ऑफ क्लिनिकल साइन। तो क्लिनिकल साइन की ग्रेडिंग हम यहाँ पर पढ़ेंगे और ग्रेडिंग के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी ग्रेड में क्या क्या कंडीशन आती है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख ले रहा हूँ C0, उसके बाद C1, C2, उसके बाद मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ बेटा C3, और उसके बाद C4, और इधर कर दे रहा हूँ मैं C5, और यहाँ पर कर दे रहा हूँ C6। ओके, ये तीन ग्रेडिंग है, हम यहाँ पर तीनों देख लेते हैं एक बारी। C0 क्या होता है, C1 में क्या चीज़ होती है, C2, C3 एंड C4 में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो C0 में क्या होगा? नो विजिबल साइन, ठीक है, नो विजिबल और पैल्पेबल साइन, ठीक है, ना ही कोई विजिबल साइन होगा ना ही पैल्पेबल साइन ऑफ वैरिकोज वेन। ओके, तो वैरिकोज वेन का कोई ना ही विजिबल साइन है ना ही पैल्पेबल साइन है, ये देख लिया हमने। C1 में टेलेंजेक्टेशिया आ जाएगा और रेटिकुलर वेन आपको देखने को मिलेंगे, रेटिकुलर वेन देखने को मिलेंगी, पहली चीज़ देख ली आपने यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा C2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। C2 इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? क्योंकि C2 के अंदर ही आपको क्या देखने को मिलेगी बेटा? C2 के अंदर ही आपको वैरिकोज वेन देखने को मिलती है। तो अगर कहीं पर वैरिकोज वेन आपको दिख रहा है तो ये ग्रेडिंग आप क्या करोगे? इसे C2 ग्रेडिंग करोगे। और ये C3 में क्या करते हो बेटा? एडिमा। तो दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, एक C2 और एक C3 के बारे में। C2 में क्या हो जाएगा? वैरिकोज वेन, एंड C3 में क्या हो जाएगा? ईडिमा हो जाएगा, ठीक है। एंड C4 में स्किन चेंजेस होते हैं। C4 में क्या होते हैं बेटा? स्किन चेंजेस होते हैं। फिर इसे C4A C4B और C4C में भी डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं बेटा? पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है, पिगमेंटेशन हो गया। लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस होती है, और साथ में एट्रोफी या ब्लैंची होते हैं, ठीक है। तो एट्रोफिया ब्लैंची, तो आपने क्या देखा बेटा? अगर पिगमेंटेशन से रिलेटेड कोई चेंजेस हैं तो आप उसे क्या करोगे? C4 ग्रेडिंग देते हो, ठीक है। आप क्या करोगे? C4 ग्रेडिंग लोगे। और C1 ग्रेडिंग में टेलेंजेक्टेशिया इरेटिकुलर वेन हो जाएगा। और उसके बाद आपने देखा C2 इंपॉर्टेंट है। C2 इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको बता दिया मैंने, क्योंकि इसमें वेरिकोज वेन देखने को मिल रही है, C3 में ईडमा देखने को मिल रहा है। C5 की अगर हम बात करें तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर आपको हील्ड अल्सरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो हील्ड अल्सरेशन या फिर हील्ड अल्सर आपको C5 ग्रेडिंग करोगे आप, एंड C6 की ग्रेडिंग में आप क्या करोगे? एक्टिव अल्सरेशन। तो एक बारी फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ग्रेडिंग ऑफ द क्लिनिकल साइन। CEAP क्लासिफिकेशन में हम C को डिस्कशन कर रहे थे। इफ देर इज द C0 ग्रेडिंग, देन नो विजिबल और पैल्पेबल साइन, कोई भी विजिबल और पैल्पेबल साइन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ये चीज आपने देख ली। उसके बाद अगर हम बात करते हैं C1 में टेलेंजेक्टेशिया रेटिकुलर वेन, एंड C2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ द ग्रेडिंग इज द C2 देन दिस इज द साइन ऑफ द वेरिकोज वेन, एंड इफ द ग्रेडिंग इज द C3 दिस इज द साइन ऑफ द एडिमा, एंड C4 में स्किन चेंजेस जस्ट लाइक द पिगमेंटेशन, लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस, पिगमेंटेशन हो जाएगा, लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस देखने को मिलेगी आपको, एंड उसके बाद एट्रोफिया ब्लैंची, एंड C5 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज देर इज द हील्ड अल्सरेशन इज सीन, एंड दिस इज द ग्रेडिंग ऑफ द C5। ओके, तो ये अगर C5 है तो हील्ड अल्सरेशन होंगे, C6 है तो एक्टिव अल्सरेशन होंगे। ओके, तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो सकता है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दें। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो हमारा कोई भी पेड क्लासेस AIA PGET के लिए, अगर आप AIA PGET के लिए हमारे पेड क्लासेस या फिर टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर लें, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। थैंक यू।